खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच ग्वालियर के हृदय स्थल फुलबाग के करीब एक स्कूटी सवार दंपति को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाते हुए दंपति के हाथ से जेवरातों से भरा पर्स लूट लिया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के नौ गजा रोड पर हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दंपति सराफा बाजार से घर में वैवाहिक कार्यक्रम होने के चलते जेवरात लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने सराफा बाजार से उनका पीछा करना शुरू कर दिया और नौगजा रोड पर होटल क्लार्क इन के सामने मुंह बंद कर आए बाइक सवार बदमाशों ने दंपति से जेवरातों से भरा पर्स छुड़ा लिया। बताया गया है कि पर्स में 1.5 लाख से अधिक कीमत के जेवरात थे, जो कि दंपति सराफा बाजार से लेकर निकले थे। वहीं से लुटेरे उनके पीछे पड़ गए और मौका देखते ही उन्होंने लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीड़ित दंपति की शिकायत दर्ज करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को कुछ अहम सुराग लगे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तलाश कर रही है, जिससे लुटेरों की तलाश की जा सके। ये भी संदेह ही किसके चले गए कमर पे चलती गाड़ी पे, क्या बनेगा पहले चलती गाड़ी पे तो लड़का खड़ा नंबर नहीं चलाता बता रहा है। हम भी थे, वो भी थे गाड़ी के। लगी है गाड़ी तो खड़े थे, कौन सा नगर, कौन सा नगर,